प्याज की कीमत एक बार फिर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। कारोबारियों के अनुसार 15 दिसंबर तक कीमतों में राहत के आसार नहीं हैं। दिल्ली में रोज 1500 से 2000 टन प्याज की आमद हो रही है। मौसम के बदलते मिजाज का सबसे ज्यादा असर प्याज की कीमतों पर पड़ा है। मंडियों में प्याज का थोक भाव 35 से 60 रुपए प्रति किलो है, जबकि खुदरा बाजार में 90 से 100 रुपए प्रति किलो तक प्याज बिक रहा है। कारोबारियों को उम्मीद थी कि अफगानिस्तान से प्याज की खेप आने से राहत मिलेगी। अफगानिस्तान से आने वाले प्याज की क्वालिटी खराब होने के कारण व्यापारी इसे खरीदने से परहेज कर रहे हैं। अनियन ट्रेड्स एसोसिएशन का कहना है कि नासिक, गुजरात, कर्नाटक में खराब मौसम के कारण प्याज की खेप दिल्ली नहीं पहुँच रही है। सिर्फ राजस्थान के अलवर से ही प्याज दिल्ली पहुंच रहा है। अमूमन प्रतिदिन 4 से 5 हजार टन दिल्ली में प्याज आता है, लेकिन इन दिनों 1500 से 2000 टन ही प्याज आ पा रहा है। अफगानिस्तान से 140 टन प्याज आया है, जो 35 रुपए प्रति किलो है, लेकिन इसकी क्वालिटी बेहद खराब है। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।